तो मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, यानी दुकान पे हम इंसान हैं, हर एक का दिल में ये होता है कि यानी काम करने के बाद जो है मैं ऐसा बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और तो 25 साल से आखिर जो है ना मेरे बच्चे जो है यानी खामखा बच्चे अभी तस्वीरें तो नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चैनलों वाले थोड़ी मेरी मशहूरी हो गई इधर उधर, तो गवर्नमेंट के लोग जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, वो जिसके पास चला जाओ वो एकदम से यानी वो लोग कोई बहाने बना कर यानी टाल देते हैं। तो ये देखो अभी भी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, यानी हम लोगों की हालत तो आप लोगों के सामने है देखो, यानी इतना यानी अच्छा काम करने वाला और ये हम लोगों के कपड़ों की हालत है, यानी इस तरह के कपड़े यानी कोई भिखारी भी नहीं पहनेगा जैसा हम लोगों ने पहना हो, तो मजबूर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग। सारी ज़िंदगी यानी हम लोगों ने इसी कामों में लगाया, कम से कम यानी बचपन से लेके आज अगर वो बचपन के दिन भी उसमें डाल दे तो लगभग 40 साल बनते हैं। तो 40 साल में हम लोगों को उसका कोई वो फल नहीं मिला। हालांकि मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ, मुजस्मे साजी करता हूँ यानी पोर्ट्रेट बनाता हूँ, मगर 40 साल के बाद भी हमको जो है ना इसमें कोई वो नहीं नज़र आ रहा। यानी हमको तो आगे ये हो कि चलो हमारा तो जैसा तैसा करके गुजर गया, यानी आने वाले आर्टिस्ट जो अभी हमको देख रहे थे यार मुनीर का ये हाल है, तो उनका दिल टूट रहा है, ये चीज़ें जो है ना वो लोग भी छोड़ रहे हैं, बोलते हैं मुनीर का ये हाल है तो हम लोगों का क्या हाल है। तो हम यानी ये चाहते हैं कि यानी कम से कम गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तवज्जो तो दे यानी आने वाले आर्टिस्टों को, यानी ये सारे आर्ट्स काउंसिल जो बने हुए हैं, आर्ट्स कॉलेज बने हुए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे दिल में कि यानी इतने अच्छे आर्टिस्ट का ये हाल है तो हम लोगों का क्या आगे जाके हाल है। तो अक्सर हम देखता रहता है यानी हमारे साथ जो पहले काम करते थे, आप यकीन करो वो लोग आजकल नशा कर रहे हैं। यानी मुख्तलिफ नशों में लग गए, काम नहीं होता था इन बेचारों के पास, ना कोई उनको पूछता था। तो कई दफ़ा मेरे पास आया कि बोलता है यार गुम करो ये काम, ख़त्म कर दो ना, यानी जाओ कोई रेडी वेडी लगा लो, ये इधर नहीं है यार, यार कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप यकीन करते हो यानी मैंने इधर एक दफ़ा वाकई ऐसा किया भी, यानी मैंने इधर जो है समोसे पकौड़े बनाना शुरू कर दिए, जो भी आता था बोलता था यार ये तस्वीरें आपने बनाई है, मैं कहता था जी ये मैंने बनाई, बोलते तो यार ये तुम फिर ये पकौड़े क्यों बेच रहे, यानी ये नौबत आया। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया, अब ये तुम्हारे सामने हम लोगों ने यानी वेल्डिंग के काम में बस बस गए हम लोग। आप लोग अभी इस बात पे यकीन करो, देखो यानी इसमें क्या है, यानी मेरी दुकान आप लोगों के सामने है, ये देख रहे हो ये खाली डब्बे, ये इनमें आपको रंग नज़र आ रहा है, यानी इन डब्बों में लगा हुआ किधरी से कुछ निकालो किधरी से ये टूटे फूटे। ब्रश और ये जो हाथ के बनाए हुए औजार, यानी मिलते हैं इसके अच्छे अच्छे औजार मिलते हैं, मगर हम लोग मजबूरी की वजह से ये वाले औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोगों का सारा वो जो हम लोगों का वो है वो ये एक टोकरी है, ये देख रहे हो इसमें हम लोगों का सारा सामान पड़ा है। यानी इस हालत में भी बैठ के हम लोग जो है ना पेंटिंगें बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, ये अगर हम लोगों को हुकूमती सपोर्ट हो या हम लोगों को कहीं भेज दे यानी बैरून मुल्क, तो हम बैरून मुल्क जाकर अपना वोट यानी वोट हम नाम रोशन कर सकते हैं अपने मुल्क का। यानी मैं मुजस्मे साज हूँ, एक तो वो होता है चलो भाई इस बंदे को काम नहीं आता है, ये नहीं बाकायदा यार इतनी स्पीड यानी काम
यानी आधे घंटे में हम स्कल्पचर तैयार कर लेते, किसी का चेहरा तैयार कर लेते, ये तो यानी महारत तो है ना। तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम वो किधर से किधर जाके वर्ल्ड लेवल पर नाम पैदा कर सकते हैं। और हालांकि बलूचिस्तान के आर्टिस्ट जो मैंने नोट किया हुआ है, वो जब पूरा पाकिस्तान चेक करो, इस जैसे आर्टिस्ट किधर ही नहीं। मगर अफसोस इधर जो कदरदान नहीं है, कोई हम लोग को पूछता तक नहीं। यानी आप देख रहे हो इसमें कितना यानी मैंने बारीक काम किया हुआ है, ये एक एक बाल यानी। मगर ये बना किस चीज पर है, ये देखो, ये पोलियो के कतरे, ये जो बैनर नहीं रहते, यानी गुर्बत की वजह से मैं अक्सर यानी रोडों पे ये ढूंढता था और इस तरह के कपड़े ला के इस पे जोड़ता था और लकड़ियों पे, और ये तस्वीरें बनाता। तो यानी अगर मेरे पास वसायल होते तो मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ों पे काम करने का। यानी हमारे पास फन है, यानी हम लोगों के सूबे ने हम लोगों को प्रमोट नहीं किया, हम लोगों को कोई वो नहीं बताया उस लोगों ने। यानी इतना काम करने के बावजूद तो लोग वर्ल्ड लेवल पे मुकाबले लड़ते हैं, हम लोगों का ये हाल है। आप यकीन करो कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि घर वाले बोल रहे थे जाओ बच्चों के लिए यानी दूध ले आओ ना, क्योंकि वो बच्चे जो है ना उसको माँ का दूध रास नहीं आ रहा था। तो उस लोगों ने बोला दूध, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। कम से कम 3 महीने तक जो है ना हम ये जो मिल्क पैक के डब्बे नहीं होते, ये जो 15-20 रुपये के मिलते थे उस टाइम, ये ला ला के उसको पिलाता था। तो पैसे नहीं थे कि इतने महंगे महंगे डब्बे खरीदो, तो मैं उनको ये ला के पिलाता था, उसमें पानी मिला के लोगों का वो। तो क्या करता मैं, यानी किसी का गलत नहीं कर सकता था, मजबूर था, बैठा रहता था। तो ऐसा टाइम आया कि हम एक मुजस्मा बना रहा था, तो हम इतना तंग आया कि हमने बोला यार अभी दूध के पैसे हम कहाँ से लाए। फिर मैंने वो जो मुजस्मे के अंदर लोहे होते हैं यानी वो राडों से जोड़ा होता है, तो फिर वो मुजस्मा मैंने तोड़ दिया, उसके अंदर से लोहा निकाल के वो बेचा था, तब जाके घर वालों का रोटी पूरा हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ाना पड़ता है, और घर भी किराए का, तो बहुत यानी सख्त दिन मुझ पर बहुत सख्त दिनें गुजरे हैं यानी। यानी इस तस्वीर को देखो आप लोग, इसमें एक गुर्बत झलक रहा है, यानी एक माँ है और बच्चा रो रहा है, और इसमें बड़ी यानी बहुत मैसेज है लोगों तक जा। तो यानी ये चीज़ें हमारा अंदर से निकल रहा है, खुद पे मुझ पे गुजरा हुआ है। अभी जैसे कि इधर हम कटे हुए कपड़े दिखा रहे हैं और साथ में हमारा खुद के भी ऐसे कटे हुए कपड़े, तो हमको इनके अंदर अपना आप दिखाई देने लगता है कि यानी गुर्बत क्या चीज़ है। हम बहुत आगे जा सकते हैं, मगर ये कि हमारे जो है ना हालात हमारे साथ नहीं दे रहे। अगर बात बच्चों की है, यानी लोग बोलते हैं अक्सर कि आपके बच्चे भी, यानी आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी आर्टिस्ट बने। मैं तकरीबन 40 साल ये इतना जो हमने मुश्किल दौरानिया काटा है ना, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा जो है ना, ये लोगों के बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कोई कपड़े बेच रहे है, कोई जो है ना प्रॉपर्टी डीलर का दुकान खोला किसी ने। हम यानी हुनरमंद होने के बावजूद इतना यानी जलालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम कौन सा माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा भी इस हालत में हो। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बेटा जो है पेंटर बने, क्योंकि जो 40 साल मैंने गुजारे हो तो अल्लाह को पता है ना। तो इस वजह से यानी अभी हम एक अजीब सिचुएशन उसमें फंस गए बिल्कुल।
कि आया ही, अब पता नहीं हमने अच्छा काम शुरू किया कि क्या, क्योंकि मेरे अबू आर्टिस्ट थे, बस मेरे खून में शामिल था। तो हम मजबूरन अभी इस चीज़ों में फंस गए। हमने तो अपना ज़िंदगी अभी जाओ कोयटे में जितने यानी ज़्यादातर यादगार है सारे मेरे हाथ के बने हुए, और हमारा ख़ुद का ये हाल है। यानी कोयटे में हमारा बहुत जगहों पे मैंने बहुत काम किया है, इसको सजाने में जो है ना हमने बहुत यानी अगर देखा जाए हमने 40 साल लगा दिए, हमने अपने जवानी के जो ख़ास दिन थे सारे इन कामों में लगाए। अभी हम यानी बिल्कुल यानी फंस गया आके, अभी बच्चे भी मांग रहे हैं, घर भी किराए का, दुकान भी किराए का, तो हम जाए तो किधर जाए। तो बहुत सख्त हालात मैंने गुजारे। यानी मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ वो लोग बोलते हैं यार तुम्हारा तो यानी उम्र वो हो गया है, यानी और एज हो गया है, यानी तो तुमको नौकरी। यार नौकरी पेंटिंग के लिए जो होता है एज नहीं होता है, पेंटिंग जो होता है आता ही बड़े उम्र में, छोटी उम्र में तो बंदे कार्टून बनाता है, बड़े उम्र में वो अच्छा आर्टिस्ट बनता है। अभी पूरी दुनिया में देख लो जिनकी उम्र अच्छे खासे उम्र है उनको जो है ना उनसे लोग फ़ायदे उठा रहे हैं उनके तजुर्बों से, हम लोगों को घरों में बिठा रहे हैं। यानी 40 साल के बाद यानी बंदे में मैच्योरिटी आती है और वो जो है आर्ट को समझना शुरू करता है कि यानी दुनिया में क्या हो रहा है वो चीज़ें। हम लोग पास जाते साथ ही उनको आसान बहाना मिला है, बोलते यार तुम्हारा तो एज गुजर गई है तो हमको जो है ना कवर में लेटना चाहिए। यानी अभी अंदाज़ा लगाओ यानी मेरे दुकान के बिल आए हुए हैं 2,866 रुपया। यानी आप यकीन करते हैं ये 3-4 दिन होते पड़े हैं, यानी मेरे पास पैसे नहीं है यानी कि मैं बिल जमा कराऊँ। हम लोगों का ये यानी इतने सख्त यानी दिन गुजर रहे हैं हम लोगों के। गवर्नमेंट मुझे यानी गवर्नमेंट मुझे कोई एकेडमी या वो कोई सिखाने वाली जगह जो होता है इसका आर्ट्स काउंसिल उसमें अगर लगा दे या कोई खोल के दे ऐसा मुझे, ताकि जो है ना आने वाला, हालांकि सारे कॉलेजों और ये उधर उधर के सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ये स्कल्पचर कैसा बनता है और फलाना चीज़ कैसा बनता है और ये कैसा, और हमारा इतना छोटा सा दुकान है, हम खुद हैरान है इधर बैठने के लिए, तो उनको हम किधर बिठाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे कोई ऐसी जगह फराहम करे ताकि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दूँ, आगे लोगों को समझा सकूँ यानी इस बारे में कि भाई आर्ट्स ऐसा होता है और ये बनता है इस तरीके से, और ऐसे हो सकता है मुझसे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पैदा हों। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तवज्जो दे इन चीज़ों को। ये अब ये जब से ये सोशल मीडिया पे यानी लोग आते हैं मेरी इधर वीडियो बनाते हैं, और ये अभी इसके वजह से जो है ना ये लोगों को पता चल रहा है आस्ते आस्ते यानी कि यार ये मुनीर जो है ना एक आर्टिस्ट है और बेहतरीन। हालांकि बैरूनी मुल्क से मुझे बहुत यानी फ़ोन आते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि भाई तुम छोड़ के आ जाओ और इधर हम लोगों के साथ काम करो, यानी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनका फ़ोन आता है कि आओ हम लोग साथ इधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें हम लोग के साथ काम करो। तो फिर हमारा इधर रहने का क्या फ़ायदा, यानी हर बंदा क्यों ये सोचता है कि यार बैरून मुल्क ही जाकर हमारा ज़िंदगी बनेगा, यानी हम अपने ही शहर में यानी हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, यानी खाम खाम को जाना पड़ेगा अभी। तो हमारे मुल्क वाले यानी हम लोगों से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। जो है ना तकरीबन ये मैसेज है कि यार अपना हौसला मत छोड़ो, इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह हमारा भी यानी हम लोगों का भी कभी सुने, इंशाल्लाह है अच्छे लोग भी है, यानी ये नहीं मैं नहीं बोलता कि यानी सारे बुरे लोग हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक दिन अच्छा दिन भी आएगा।